तमाम कोशिशों के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शाहजहांपुर का है, जहां एक शादी समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हर्ष फायरिंग में बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। घटना थाना जलालाबाद क्षेत्र के एक शादी समारोह की बताई जा रही है, जहां दो लोगों ने अपने लाइसेंसी असलाह से बारात में जमकर फायरिंग की। सबसे पहले एक युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से कई राउंड गोलियां दागी। इस बीच दूसरा युवक बंदूक लेकर आया और उसने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। तो शादी में कई बाराती मौजूद थे, ऐसे में फायरिंग के दौरान बड़ी घटना हो सकती थी। इसी बीच किसी ने फायरिंग करते हुए वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। तो यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीरें, जहां पर हर्ष फायरिंग का मामला ये सामने आया, तो फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हर्ष फायरिंग की जा रही है। बड़ा हादसा होते होते टला है, कुछ लोग भी वहां पर साथ में ही खड़े हुए हैं। तो अगर ये गोली किसी को लग जाती तो बड़ा हादसा, यहाँ पर किसी की जान जा सकती थी। तो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों की अवहेलना किस तरह से की जाती है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां की जाती है। न सिर्फ मंत्री लोग बल्कि जो आम लोग हैं वो भी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो फिलहाल पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टला। तो शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का ये पूरा मामला यूपी के शाहजहांपुर से हम आपको बता रहे हैं। तो ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। तो शादी समारोह के मौके के दौरान ये फायरिंग यहाँ पर की गई, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक नहीं दो नहीं कई राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई है। अपनी खुशी को जाहिर करते हुए वहाँ बहुत लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अगर ये जरा सी चूक होती और अगर किसी को गोली लग जाती तो किसी की जान भी जा सकती थी। तो फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शाहजहांपुर में ये शादी समारोह था, जहां पर इन्होंने ये हर्ष फायरिंग की।